दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक कैलकुलेशन बताने वाला हूँ हौलदार रैंक की, जो वाई ग्रुप के हैं और जो 24 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं, उनकी जो कैलकुलेशन है पेंशन की एज पर प्री 1/1/2016, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। और ये कैलकुलेशन पहले मैं विदाउट क्लास पे बताऊँगा और उसके बाद मैं ये कैलकुलेशन आपको विद क्लास पे भी बताऊँगा। इसमें मैं आपको साथ में बताऊँगा पेंशन जो हम कैलकुलेट किए हैं उसका कंक्लूजन क्या है वो भी बताऊंगा। इसमें लिंक्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, कहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। पीपीओ भी दिखाऊंगा आपको और साथ में मैं आपको टेबल नंबर 16 दिखाऊंगा, जहां से मैंने हवलदार की पेंशन को कैलकुलेट किया है CPC 7 से। और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊँगा ORP की टेबल नंबर 7, जहाँ से ORP की पेंशन हवलदार की हमने कैलकुलेट की है, जो कि मैंने हम मार्क कर रखी। अब सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इस कैलकुलेशन में मैं आपको बताने वाला क्या हूँ। तो बताने की बात ये कि पेंशन हवलदार ऑब्लिक दफादार, जिसको एयरफोर्स में सार्जेंट बोलते हैं और नेवी में पेटी ऑफिसर बोलते हैं, ये आप सामने आपको नज़र आ रही है स्लाइड, इसके बारे में मैं आपको आज यहाँ बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि इनकी जो पे फिक्स की गई है, उस पे फिक्स जो हुई है वो सही है, विदाउट क्लास पे हुई है। यदि हम उसको विद क्लास पे करें तो वो कितने पे जाके फिक्स होगी, क्या वो और भी किसी तरह से फिक्स की जा सकती है कि बंदे को फ़ायदा हो, ये सब चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं विदाउट क्लास पे कैलकुलेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आर्मी के हवलदार इक्वल टू नेवी पेटी ऑफिसर एंड इक्वल टू एयरफोर्स सर्जेंट। फिफ्थ CPC पे स्केल जो है 4320 रुपया 85, 55, 95 और ग्रुप वाई है। अब इसको आगे यदि आप देखना चाहोगे तो मैं आपको उसको टेबल में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आगे इसकी टेबल, डेट इज़ द टेबल, टेबल नंबर 16, जैसा कि मैंने वहाँ बोला था, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्लियर करते 11, 43, 20, 85, 55, 95 लेवल 5 और टेबल 16 है। इसमें 5200 से लेके 20200 तक यहाँ पर इनकी पे जो है एज पर फिफ्थ CPC सेट की हुई है। आगे चलते हैं, रैंक हवलदार है ग्रेड पे 2800 रुपया, पे लेवल 5th, क्वालिफाइंग सर्विस 24 है और इनकी टोटल बन जाती है 5200। पे स्केल की बात करें तो 5200 से 20200, जो कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको टेबल में दिखाया था, प्लस 2800 उनकी ग्रेड पे है। ये फिफ्थ CPC के हिसाब से इनका पे स्केल सेटेड था और ये रिटायर हुए थे 2003 में। अब इस पेंशनर की पेंशन एज पर कॉन्करोडेंस टेबल हम सेट करते हैं। लास्ट बेसिक पे फिक्स थी इनकी 4500 रुपया फिफ्थ CPC में। अभी 4500 रुपये कहाँ से ली, तो ये देख लो आप, आपको यहाँ नज़र आएगा, ये देखिए ये इनका PPO है। PPO में आपको यहाँ पे लास्ट पे डिटेल ये रही, दैट इज़ द लास्ट पे डिटेल 4500 रुपये। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें, इसमें MSP कुछ नहीं है। क्लास पे इनकी 150 रुपया, जो हम विदाउट क्लास पे करेंगे पहले और उसके बाद क्लास पे के साथ करेंगे। और इनकी नॉशनल पे जो फिक्स की गई थी 29200 है, ये कैलकुलेशन, MSP 5200 थी और ग्रेड पे इनकी 300 रुपये थी, ये भी मैं आपको टेबल में दिखाऊंगा। तो चलिए हम पहले अपने मेन स्लाइड पर चलते हैं, ये है वो स्लाइड। यहाँ से लास्ट बेसिक पे मैं आपको दिखा चुका हूँ PPO में 4500 रुपये इन फिफ्थ CPC। फिफ्थ CPC से जब 6th CPC में इनको कन्वर्ट किया गया तो इनको 4500 रुपये का को जो है 1.86 का जो फैक्टर था उससे मल्टीप्लाई किया और इनकी ग्रेड पे जोड़ दी, तो इनकी वहाँ पे बनती है 11170 रुपये इन 6th CPC। उसके बाद जब इनको 6th CPC से 7th CPC में कन्वर्ट किया तो 11170 को मल्टीप्लाई 2.57 फैक्टर से कर दिया तो 28707 बन गई। अब 28707 को इन्होंने फिक्स किया 29200 पर, वो कैसे किया वो मैं अब आपको बता देता हूँ एज पर द टेबल 16। जैसा कि आप देख रहे हो, पे फिक्स नॉशनली एज ऑन 1/1/2016 7th CPC 29200 एज पर द टेबल नंबर 16। आ जाइए टेबल नंबर 16 पे चलते हैं। ये PPO था और ये टेबल है, टेबल नंबर 16, ये देखिए 29200 हम
मिनिमम तो लेते नहीं है, हम लेते हैं मैक्सिमम। मिनिमम तो हमारी 10,840 है, हमारी तो 11,000 कुछ है, तो हमने मैक्सिमम ले लिया। मैक्सिमम में हमारी 11,360 ले ली हमने। और इसकी नेशनल पे एज ऑन 1/1/2016 को 29,200 बनी। तो इनकी नेशनल पे कितनी फिक्स कर दी गई, 29,200, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में। आप इनकी पेंशन कैलकुलेट कर लें। पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल है, बेसिक पेंशन और MSP और क्लास पे। अब MSP एक मुद्दा है फिलहाल में जो चल रहा है काफ़ी दिनों से दिल्ली हाई कोर्ट में, अभी तक तो पेंडिंग ही है स्टेटस तो, बट जल्दी शायद इसमें भी कोई पॉजिटिव रिप्लाई जजमेंट आएगा तो इससे भी बंदों को फ़ायदा हो जाएगा। अब इनकी पेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं, 29,252,300, आप समझ पा रहे हैं ना, 29,200 नेशनल पे इनकी फिक्स की गई जो मैंने टेबल में दिखाई थी, 5,200 इनकी MSP है आप जानते हैं, 300 रुपये इनका क्लास पे है, 2016 से पहले की ये बात है। अब इनकी बन गई 34,700। पेंशन की बात करें तो 50% होती है तो होगी 17,350, क्योंकि 34,700 को 2 से डिवाइड करते हैं। पेंशन विद करंट रेट ऑफ DA, अब इनकी टोटल पेंशन की बात करें तो करंट रेट ऑफ DA तो जुड़ेगा जो कि 28% है, तो 17,350 में 28% जोड़ दिए, 4,858 रुपये इसमें जोड़ दिए तो 22,208 बन गई। इनकी पेंशन कितनी बनी, 22,208। हम कह सकते हैं नाउ टोटल पेंशन ऑफ द रैंक हवलदार इज 22,208 रुपया। ठीक है, नाउ इनकी फैमिली पेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। फैमिली पेंशन की बात करें तो एज पर 7 CPC 30% ऑफ बेसिक पेंशन, 34,700 इनकी बेसिक पेंशन, उसका 30% कितना होगा, 10,410 प्लस DA जोड़ दो 28%, 2915 रुपया, यानी कि हो गए 13,325। तो इनकी फैमिली पेंशन कितनी होगी, 13,325। अब आपने जान लिया 5th CPC से 7th CPC तक का प्रोसेस। अब इसी चीज़ को हम ORP यानी वन रैंक वन पेंशन पर जोड़ लेते हैं। वन एनोदर मुद्दा ऑफ पेंशनर्स, जो एक MSP है और एक वन रैंक वन पेंशन है, इसमें रैंक हवलदारी है, ग्रुप वाई में क्वालिफाइंग सर्विस 24 वर्ष है, बेसिक पेंशन 78,008। अब यहाँ पे फिर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा 78,008 कहाँ से आया, चलिए टेबल दिखाते हैं किसकी, वन रैंक वन पेंशन की, टेबल नंबर 7। आइए, ये है टेबल नंबर 7, क्या लिखा है, रेट ऑफ सर्विस पेंशन अंडर ORP स्कीम फॉर JCO एंड अदर रैंक्स इंक्लूडिंग ऑनरी कमीशंस एंड जो भी है छोड़ो, हवलदार एंड इक्विवेलेंट, हवलदार एंड इक्विवेलेंट। अब क्वालिफाइंग सर्विस 24, तो हम इस लाइन में फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में हम 24 साल ढूंढेंगे, ये रहा मैंने मार कर रखा है रेड लाइन से 24 साल, और हवलदार के कॉलम में 78,008 भी मार कर रखा है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हो। ये देखिए, ये दोनों चीज़ें आपकी स्क्रीन पर। अब आपको क्लियर हो गया कि ORP में हवलदार जी की बेसिक पेंशन कितनी है, 78,008, और 7th CPC के हिसाब से 2.57 का फैक्टर उसमें मल्टीप्लाई होगा तो 20,067 हो गई। 20,067 पर जब हम की पेंशन कैलकुलेट करेंगे तो करंट रेट ऑफ DA तो जुड़ेगा ही, 5,519 रुपया, तो हो गई 25,686 रुपया। टोटल पेंशन कितनी हो गई इनकी, 25,686। अब इनकी फैमिली पेंशन की बात कर लेते हैं, लेकिन फैमिली पेंशन से पहले हम इनका एक कंपेरिजन कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हो टोटल पेंशन ऑफ रैंक हवलदार इज 22,208, जैसा कि आपके सामने है, और वही हवलदार की ORP में बन रही है 25,686, तो फायदे का सौदा हुआ ORP। अब फैमिली पेंशन की बात करें तो यहाँ एज पर ORP 60% ऑफ बेसिक पेंशन, और 7th CPC के हिसाब से 30% ऑफ बेसिक पेंशन, बड़ा फर्क है भाई, तो कितना हो गया, 20,067 का 60% 12,041 प्लस DA 28% रेट से 3,372, तो टोटल हो गया 15,413 रुपये, यानी फैमिली पेंशन कितनी होगी, 15,413। यहाँ फैमिली पेंशन कितनी है, 13,325। यहाँ फैमिली पेंशन कितनी है, 15,413। यानी कि ये बात तो क्लियर है कि ORP ही हमारे लिए फ़ायदे की बात है, तो हमें ORP का साथ देना चाहिए कुल मिला के। अब कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी विदाउट क्लास पे, यानी कि 4,500 रुपये जो बंदे की बेसिक पेंशन थी
उसमें 150 रुपये क्लास पे हमने नहीं जोड़ा, हमने सीधा उसी पे कैलकुलेट कर दिया सब कुछ। और अब मैं कैलकुलेशन बताऊंगा आपको विद क्लास पे। देख लीजिए, सेव पहला कॉलम 50 CPC पे स्केल 4320 85 55 95 ग्रुप वाई रैंक अवलदार सेम है जो पहली स्लाइड में था, इसमें कोई भी फर्क आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग सर्वे 24 है, 2003 में रिटायर्ड हैं, 5200 से 20200 इनकी पे स्केल है, 2800 जोड़ दिया है, इंक्लूड किया ग्रेड पे। अब इसी चीज़ को हम विद क्लास पे का जो अलाउंस विद क्लास पे जो हम पेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो एज पर कॉन्करेंस टेबल करते हैं। देखिए लास्ट बेसिक पे कितनी थी 4500, जैसा कि आप PPO में भी देख चुके हो, और उसमें क्लास पे हमने नहीं जोड़ी थी, बट इसमें यहाँ जोड़ दी 150 रुपया, तो ये हो गया 4650। पिछली बार हमने जो कैलकुलेशन करी थी वो 4500 पे करी थी इन 50 CPC, अब हम कर रहे हैं 4600 पे इन 50 CPC, यानी कि क्लास पे जोड़ के कर रहे हैं। तो अब 4600 पे करेंगे तो 50 CPC से 6 CPC जब गया 4650 इंटू फैक्टर कितना था उस टाइम 1.86 प्लस 2800 ग्रेड पे, तो कितनी बनी 11449 इन 6 CPC कितनी बन गई 11449। वहाँ पे कितनी थी, वहाँ पे कम थी, वहाँ पे कितनी थी, यहाँ तो बन रही है 11449 इन 6 CPC, और यहाँ पर आप देखें तो कितनी बन रही है 11170 इन 6 CPC। तो बेसिकली क्लास पे से फ़ायदा तो हुआ। तो अब इसकी आगे कैलकुलेशन देख लेते हैं। आगे जब 6 CPC से 7 CPC हम कन्वर्ट करेंगे तो 11449 को फैक्टर कितने का है 2.57 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 29424 रुपये यहाँ पर आता है। अब इस 424 रुपये 29424 का हमने फिक्स करना नेशनल पे के हिसाब से 1/1/2016 के हिसाब से, तो टेबल नंबर 16 देखनी पड़ेगी दोस्तों। जैसा कि हम पहले देखे थे वहाँ में 29200 फिक्स की गई थी, यहाँ 30100 फिक्स की है, वो कैसे की है आ जाइए टेबल की बात कर लेते हैं, टेबल पर चलते हैं। ये देखिए टेबल, आप ये देख लीजिए, ये रो यहीं आपको समझ में आ जाएगा। हमारा कितना था पहले 4500, तब हमने कितनी तय करी थी 29200 एज पर नेशनल पे एज ऑन 1/1/2016 29200 करी थी। नाइस, अब तो हमारा 4650 है, तो हमारा 4650 से हम नीचे नहीं ले सकते, ऊपर ले सकते हैं, तो 4660 लिया, 4660 लिया तो हमारी कितनी आई थी 11470 ही तो आई थी, तो ये 11470। अब 11470 की जब हम नेशनल पे एज ऑन 1/1/2016 कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आती है 30100 आती है दोस्तों। ये रहा, अब आपकी समझ में आ गई होगी कि ये 30100 कहाँ से आई। अब चलते हैं हम स्लाइड पे आ गए कि हमारी उस स्लाइड जहाँ से हम कैलकुलेशन अपनी कर रहे हैं, ये वो स्लाइड है। बेसिक पे फिक्स हो गई अब आपकी 30100, विद क्लास पे आपकी कितने बेसिक पे हुई 30100। अब पेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। पेंशन कैलकुलेटर फॉर्मूला सिंपल है, बेसिक पे MSP क्लास पे पेंशन कैलकुलेट करी 30100, 5200 MSP है, 300 क्लास पे है, 35600 हो गई, इसका 50% करोगे तो 2 का भाग दे दो 17800 हो गई, 17800 में 28% DA जोड़ोगे तो पेंशन आ जाएगी, 28% DA इसलिए कि करंट रेट हुई है, तो टोटल कितना हो गया 17800 प्लस 49484 बराबर 22784। विद क्लास पे जब हमने ये की तो कितनी आई 22784, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए 22784। और विदाउट क्लास पे करी थी कितनी आई थी, ये आई थी हमारी 22208, तो क्लास पे का फ़र्क तो पड़ गया। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं आगे क्या होता है। अब 22784 आ गई होल्डर की पेंशन, अब फैमिली पेंशन कैलकुलेट करें, फैमिली पेंशन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 7 CPC के हिसाब से कितना 30%, तो 35600 का 30% 10680 डी 28% जोड़ दिया तो 13671 की फैमिली पेंशन आ गई। अब इस कैलकुलेशन को विद क्लास पे कैलकुलेशन को हम एज पर ORP भी कर लेते हैं। ORP करोगे तो जो ये टेबल है ORP की ये वाली, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, ये एज इट इज है जैसे कि ये है, ये विदाउट क्लास पे है और ये वाली विद क्लास पे है, तो वन रैंक वन पेंशन का मतलब ये नो डिफरेंस बराबर, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री इंक्लूडेड है क्लास पे या जो भी है उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, वहाँ पे क्लास पे नहीं इंक्लूड है ऐसा कोई रीजन नहीं है,
यानी कि ये बिल्कुल शेटेड है। अब दोनों कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, पीपीओ दिखा दिया, टेबल नंबर 16 दिखा दी, ओआरओपी की टेबल नंबर 7 दिखा दी, दोनों कैलकुलेशन दिखा दी। अब इन सब का एक कंक्लूजन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है कंक्लूजन। कंक्लूजन में फाइनली पेंशन कैलकुलेट करी हमने 5th सीपीसी से 6th सीपीसी, 6th सीपीसी से 7th सीपीसी, 7th सीपीसी में ओआरओपी तो कितनी हुई। पता चला हमें कि ओआरओपी जो है वो क्या कर रही है, हवलदार रैंक जो इक्विवेलेंट सार्जेंट है वो क्या कर रही है, हमें एक्स्ट्रा पेंशन बेनिफिट दे रही है कैलकुलेशन। तो हमें ओआरओपी का सपोर्ट करना चाहिए, पहली चीज़ तो आपने ये जाननी है। उसके बाद आपको फ़ायदा कितना हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है 25,686 तो ओआरओपी में बन रही है और बिना ओआरओपी के 22,208 बन रही है, तो 3,3478 रुपये का आपको यहाँ फ़ायदा हो रहा है। और फैमिली पेंशन में 13,325 घटा दो तो 2,088 का यहाँ फ़ायदा हो रहा है। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि जब हम ओआरओपी में कैलकुलेशन करी होल्डर रैंक की तो 25,686 उनकी पेंशन आई थी, और 7 सीपीसी में करी थी 22,208 आई थी। ऐसे ही जब इनकी फैमिली पेंशन कैलकुलेट करी तो 15,413 आई थी ओआरओपी में, और 7 सीपीसी में 13,325 आई थी। तो यानी कि ओआरओपी एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा है, फ़ायदा है, तो हमें फ़ायदे की तरफ ही तो रहना है। इंसान है, फ़ायदा ही देखता है इंसान, फ़ायदा देखना भी चाहिए। अब टेबल नंबर 16 का ये लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, और टेबल नंबर 7 का ये लिंक है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। और इस पेंशन से कैलकुलेट से जुड़ी और भी जो मेरी वीडियोस हैं वो मैं आपको एंड स्क्रीन में अवेलेबल करा दूंगा। ये पीपीओ था, आप देख ही चुके हो, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बात कर लें पेंशन के टेबल 16 की, ये टेबल है, इसी को दिखा के इसी टेबल में मैंने आपको सारी मल्टीप्लिकेशन वगैरह दिखाएंगे, ये ओआरओपी टेबल है। तो अब मैं आपको वीडियो को फाइनली क्या कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ कि हमने वीडियो में क्या, मैंने आपको बताने की कोशिश की है क्या आपने वीडियो में जाना है। तो बेसिकली मैंने आपको वीडियो में कैलकुलेशन बताई है हवलदार रैंक की जो इक्विवेलेंट टू सार्जेंट ऑफ एयरफोर्स हैं, और मैंने वहाँ आपको दिखाया है 5th सीपीसी से 6th सीपीसी, 6th सीपीसी से 7th सीपीसी एंड ओआरओपी, और ये सारी कैलकुलेशन मैंने पीपीओ में भी दिखाई हैं और टेबलों में भी दिखाई हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो और आप खुद अपने आप की कैलकुलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है अब आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपनी कैलकुलेशन कर पाओगे। यदि फिर भी आप लोगों को कोई इसमें संशय है तो प्लीज़ पोलाइटली वेलकम है आप सबका, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नो इशू, और मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेस करें बेल बटन को, ताकि मेरे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।